मॉर्निंग, मेरा नाम रवि पांडे और आज हम सीखेंगे यूज्ड टू एडिक्टेड टू अकस्टम्ड टू। और आपको बिल्कुल फोकस करना है, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। विद इन 5 मिनट्स आप इन सब चीजों को सीखने वाले हैं, कैसे हम इसका इस्तेमाल अपने इंग्लिश में करते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो जो पहला वर्ड है हमारा यूज्ड टू, जैसे कि मैंने इसके ब्रैकेट में लिखा है डिड नॉट, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है और यूज्ड टू का इस्तेमाल आप पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करेंगे। दोनों का इस्तेमाल आप आदत बताने के लिए किया जाता है, कोई भी ऐसी आदत जो आप रोजाना उस चीज़ को करते हैं। मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ या मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो इसमें आप क्या करेंगे, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। वह रोजाना स्कूल नहीं जाता है, ही डिड नॉट यूज्ड टू गो टू स्कूल। मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। या फिर कई बार भूतकाल की कोई ऐसी आदत बताने के लिए, कोई भी ऐसी चीज बताने के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कोलकाता में रहा करता था, आई यूज्ड टू लिव इन कोलकाता, आई यूज्ड टू लिव इन पुणे। एडिक्टेड टू, अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बगल में एक वर्ड लिखा है बूजर, बूजर का मतलब होता है शराबी, राइट। कुछ इसका ज्यादातर इस्तेमाल नेगेटिव चीजों के लिए ही किया जाता है, लोग क्या करते हैं ड्रग्स या बाकी सारी चीजों के आदि हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, मतलब कोई बूजर है, शराबी है और वो एल्कोहलिक हो चुका है, एल्कोहलिक यानी शराब का आदि हो चुका है। तो आप बोल सकते हैं ही इज एल्कोहलिक, बट आप ये भी बोल सकते हैं ही इज एडिक्टेड टू वाइन, ही इज एडिक्टेड टू वाइन। कोई भी ऐसी बुरी लत जिसका नुकसान होता है व्यक्ति को, तो उसके लिए आप एडिक्टिव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब है अकस्टमिड टू, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल समझते हैं। वेलकम बैक, अब हम जो सीखेंगे वो वर्ड है अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू जो वर्ड है इसका इस्तेमाल आप कहां करेंगे, हैबिट बताने के लिए। किसी व्यक्ति कोई हैबिट है, वो उस चीज का अभ्यस्त हो चुका है, वो बताने के लिए आप अकस्टम्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ही वॉज अकस्टम्ड टू सोशलाइजिंग ऑन अ हाई लेवल, ही वॉज अकस्टम्ड टू सोशलाइजिंग ऑन अ हाई लेवल। उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद है, मतलब कि उसकी ये हैबिट है कि वो बहुत जल्दी एक सोशल एनवायरनमेंट अपने आसपास बना लेता है, बहुत सारे लोगों से घुल मिल जाता है, ठीक है। ही इज अकस्टम्ड टू वर्किंग विद अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट, मतलब कि उस व्यक्ति को, मतलब वो अभ्यस्त है इस चीज की उसको आदत है कि वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ग्राहकों से डील कर सकता है। तो आई होप आपको ये अकस्टम टू भी समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बहुत सारे अच्छे वर्ड्स दिखाऊंगा जिसका इस्तेमाल आप अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। तो सीखते हैं, टेक केयर।